क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म। और क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को कैसे भरना है ये सारा डिटेल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग करना क्या, स्क्रॉल डाउन करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके। और किसी किसी लोगों का जो है डाउनलोड फॉर्म नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के साथ दोस्तों दो प्रॉब्लम हो। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो सहारा इंडिया में रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को फुल प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर होने वाला है, सारा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को CRCS पोर्टल को ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन में आ जाना है। आप लोग को अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट डाल देना है, आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर को डाल देना है, और उसका कैप्चा डाल के आप लोग को करना क्या है, सेंड OTP कर देना है। एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आप लोगों को डाल के वेरीफाई OTP क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाना है, आई एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को आधार नंबर डाल देना है, गेट OTP करके आप लोगों को वेरीफाई OTP कर देना है। उसके दोस्तों आप लोगों को सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और ये आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है आधार वेरीफाई करने के बाद नीचे में है डिटेल्स आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है आधार सीडेड बैंक। तो आधार सीडेड बैंक जो है दोस्तों, अगर आप लोगों का MT आ रहा है, बहुत लोग का जो है MT आ रहा है, तो ऐसे में जो है आप लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस करना ये पड़ेगा जब आप लोगों का जो जनरेट होगा फॉर्म वो MT होगा, वो जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आधार सीडेड बैंक में जो है कोई भी बैंक जो आपका बैंक है वहाँ पे नाम आना ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग करना क्या है, अपने ब्रांच में जाके NPCI फॉर्म फिलअप करके दे देना है आधार सीडिंग के लिए, तो यहाँ पे आप लोग आधार सीडेड बैंक में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग करना क्या है, डिटेल्स मैच करा लेना है। उसके बाद आप लोग करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये आप लोग को सामने सोसाइटी नेम आ जाएगा, जो भी सोसाइटी है आप लोग को अपना सोसाइटी को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग को मेंबरशिप नंबर डाल लेना है। और दोस्तों मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, वो सारा डिटेल मैं आप लोग को दिखलाऊंगा आपके सामने बॉन्ड ओपन करके, कि कौन सा नंबर कहाँ पे रहता है और किस नंबर को कैसे सिलेक्शन करना है। आप लोग को दोस्तों कोई मिस्टेक नहीं करना है, और आप लोग को जो है मैं नेक्स्ट ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर कोई अगर मिस्टेक हो भी जा रहा है तो वो आप लोग जो है सुधार कर सकते हैं। वो सुधार कहाँ पर करना है मैं आप लोग थोड़ा देर बता दूंगा आगे चल के वीडियो में, जो कि एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है अगर कोई गलत एंट्री हो गया है तो। बट आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी गलत एंट्री ना हो, 2-3 बार मिला ले तब जाके एंट्री करें। और आगे जो मैं अपना कस्टमर का बॉन्ड दिखला रहा हूँ, और कुछ डिटेल्स ऐसे होंगे जिसे मैं हाइड कर दूंगा, और आप लोग को फॉर्म फिलअप करना सिखला रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में जो है सबसे पहले तो मैंने रिसिप्ट नंबर को वो अंडरलाइन किया है, और सामने मेंबरशिप नंबर है उसको भी अंडरलाइन किया है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अकाउंट नंबर जो है बॉन्ड में नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, नीचे में कंट्रोल नंबर दिख रहा है, कंट्रोल नंबर जो है वो अकाउंट नंबर के नाम से जाना जाता है बॉन्ड में, तो वो आप लोग को दोस्तों अकाउंट नंबर में डाल देना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिया है, तो वो डिटेल मैच करा के आप लोग को डाल देना है। और अमाउंट के बारे में डिटेल जो है इसमें शो कर रहा है कि कितना अमाउंट है। अमाउंट में दोस्तों जो आप लोगों को बॉन्ड में अमाउंट दिखा रहा है, जो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था वही अमाउंट डालना है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग जो मैच्योरिटी पूर्णने पे जो अमाउंट मिलने वाला था डबल, वो अमाउंट बहुत लोग डालने का गलती करते, तो ऐसा ना करें, नहीं तो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आप लोगों का वो डालना है। क्लियरली दिखा रहा है कि डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट, तो जो कंट्रीब्यूट किया था आप लोगों ने इस कंपनी में। और आप लोगों को दोस्तों दिख जाएगा अकाउंट ओपनिंग डेट, तो अकाउंट ओपनिंग डेट भी नीचे मेंशन है, उसी डेट को मेंशन कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग करना क्या है, अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तो इसी बॉन्ड को आप लोग को दोस्तों करना क्या है, प्रिंटर से स्कैन करके
अच्छे क्वालिटी में आप लोगों को अपलोड करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर अच्छा क्वालिटी में नहीं होगा, क्योंकि ये डॉट प्रिंटर से प्रिंट करके दिया जाता है, तो इसे दोस्तों आप लोग को हाई क्वालिटी में स्कैन करना है। नॉर्मली स्कैन करने पे अगर डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं तो आप लोग करना क्या है, DPI बढ़ा के स्कैन कर लेना है। अगर दोस्तों आप लोग फिल करने का ट्राई करते हो और आप लोगों से फिल नहीं हो रहा है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैं आप लोगों के लिए फिलअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि एक ऐड हो चुका है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके पास एक से ज़्यादा बॉन्ड है, तो उनके लिए आप लोग करना क्या है कि नीचे में एक आ चुका है, फिर से एंट्री करना है आप लोगों को बॉन्ड का। जैसे कि यही कस्टमर का 2 अकाउंट है, तो मैं वापस से एंट्री कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि दोनों ही बॉन्ड मैंने अपलोड कर दिया है और सारा डिटेल को मैंने वेरीफाई भी कर लिया है। अब दोस्तों आप लोग करना क्या है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म, और क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को कैसे भरना है ये सारा डिटेल मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग करना क्या, स्क्रॉल डाउन करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करके। और किसी किसी लोगों का जो है डाउनलोड फॉर्म नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के साथ दोस्तों दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो उनका जो है बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है, इस कारण से ये फॉर्म जनरेट नहीं हो रहा होगा। दूसरा ये रीज़न होगा, सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड होगा, ये भी रीज़न हो सकता है। तो बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है वो तो फर्स्ट आप लोग स्टेप में ही पता चल जाएगा। तो आप लोग करना क्या है, इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद करना क्या, आपने प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल देना है, और जो भी कस्टमर का है या फिर अपना है उसमें आप लोग करना क्या, एक जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस पर चिपका लेना है। उसका दोस्तों फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मैं आप लोग को दिखला देता हूँ। यहाँ पर बैंक का नाम लिख देना है कि कौन सा बैंक है, और इसमें क्रॉस सिग्नेचर करना है। अगर क्रॉस सिग्नेचर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें जो है लास्ट में आप लोग को साइन करना होता है, बट आप लोग ट्राई करोगे क्रॉस सिग्नेचर कर लो तो बेटर रहेगा। और नीचे में जितना भी डिटेल्स रहेंगे सारा डिटेल आप लोग को रहेगा। एक आप लोग को फोटो चिपकाना है, दूसरा आप लोग करना क्या है, इसमें अपना बैंक का नाम इसमें डाल देना है। उसका नेक्स्ट एक और पेज आएगा, उस पेज में कैसे भरना है मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। उस पेज में आप लोग करना क्या है, आपने जहाँ से अप्लाई किया है उस शहर का नाम लिख देना है, और जिसके नाम से बॉन्ड है उसका सिग्नेचर करवा लेना है, और उनका ही मोबाइल नंबर नीचे दे लेना है। और उसके बाद करना क्या है, इसे अटैच करके एक साथ PDF में, और आप लोगों को करना क्या है, अपलोड कर देना है। नेक्स्ट करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट में आ जाना है आप लोगों को। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्लेम अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर उसी फाइल को जो है कंबाइन करके मर्ज करके PDF को इसमें अपलोड कर देना है। कुछ ही सेकंड में ये अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप लोग को नेक्स्ट कर देना है, और एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जनरेट हो जाएगा, उसे आप लोग को प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर देना है। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा सारा इंडिया रिफंड से रिलेटेड जितना भी जानकारी था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है रिफंड अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके लिए जो है मैं रिफंड फाइल कर सकता हूँ। फ्यूचर में और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस तरीके, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक एट होम।